हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ भोकाल बनेगा राजा कॉमिक्स के बारे में। सबसे पहले बता दूँ कि ये भी मेरे पास ओरिजिनल प्रिंट है और शायद इस कॉमिक को वापस से रिप्रिंट किया गया है। अगर मैं इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूँ तो इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है और जो आपको पूरी कॉमिक्स में आपको बांधे रखेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा बताने का कोई रीज़न बनता नहीं है, क्योंकि कॉमिक के टाइटल से आपको पता चल रहा है कि टाइटल है भोकाल बनेगा राजा, और इस चीज़ के पीछे क्या रहस्य है, क्या चीज़ है कि क्यों इस कॉमिक के नाम को ऐसा दिया गया है, ये सब जानने के लिए तो आपको ये कॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। बाकी मेरी नज़र में तो इसकी स्टोरी और आर्टवर्क दोनों ही बहुत अच्छा है। वैसे अब आर्टवर्क तो आप खुद से भी देख सकते हो कि कितना अच्छा आर्टवर्क है इसके ऊपर। बस लास्ट में इतना ही बोल सकता हूँ कि अगर आप भोकाल के फ़ैन हो तब तो आपको डेफिनेटली ये कॉमिक्स खरीदनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पुराने हीरोज़ के मुकाबले में भोकाल ही सिर्फ एक ऐसा करेक्टर है जो आज तक चलता आ रहा है। मैं इस करेक्टर में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। बाकी मैं ये कह रहा था कि अगर आप भोकाल के फैन नहीं भी हो और अगर आप एक अच्छी स्टोरी और आर्टवर्क को एंजॉय करना चाहते हो तब भी आप इस कॉमिक को खरीद सकते हो। और इस कॉमिक में आपको अगर आप इस पेज को ध्यान से देखोगे तो इसमें महारावण सीरीज को लेकर एक रेफरेंस दिया गया है, मतलब एक नोट दिया गया है, और महारावण सीरीज के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है। सच में काफ़ी दमदार सीरीज थी वो। तो मेरे हिसाब से इसकी स्टोरी और आर्टवर्क दोनों ही बहुत अच्छा है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।